अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 11 अगस्त 2024 और पीछे आपको जो रेलवे स्टेशन नज़र आ रही है मेरा भाई रेलवे स्टेशन मंडी बहाउद्दीन। तो बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 2 महीनों के बाद आज मुझे मौका मिला कि मैं रेलवे स्टेशन पर आकर रेल फैनिंग करूँ। और इसकी एक बड़ी वजह वो आप लोग थंबनेल से देख कर तो पहचान ही चुके होंगे कि हमारी पाकिस्तान रेलवे जो हमारी 135 अपर 136 चनाब एक्सप्रेस है उसमें उन्होंने एडिशन किया एक बहुत ही यूनिक कोच की, जो कि आज तक उसमें नज़र नहीं आई, वो है CNR। तो हमारी 135 अब चनाब एक्सप्रेस को तो CNR कोच मिली ही है। इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल मिलत एक्सप्रेस है जो कि कराची से चलती है उसके रेक को यूटिलाइज़ किया जा रहा है टू डाउन खैबर मेल के ज़रिए। आजकल सेंट्रम बहुत ज़्यादा लेट होती थी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे ने ऐसा किया कि टू डाउन खैबर मेल का जो रेक होता है उसका रेक दे देते हैं ये लोग सेंट्रम मिलत एक्सप्रेस को, ताकि मिलत एक्सप्रेस अपने टाइम पर लाला मूसा के लिए निकल सके। इसके अलावा जो 18 डाउन का रेक आता है उसको फिर यूटिलाइज़ किया जाता है वन ऑफ खैबर मेल के रेक के साथ। तो फिर इस तरह से कुछ पाकिस्तान रेलवे आज का रेक यूटिलाइजेशन कर रही है। तो आज आपको मिलत एक्सप्रेस के भी कोचेस दिखाएंगे कि उसमें किस रेक को अटैच किया गया है, और 135 अप के अंदर CNR कोच भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मॉनसून की जो बारिशें हैं वो ज़ोरों शोर से हैं। पिछले व्लॉग में भी आपने मेरे देखा कि मैं बारिश में गया पिंड दादन खान 246 राउंड मलकवाला एक्सप्रेस पर बैठ कर। तो आज भी ऐसा ही मौसम हुआ है, सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से मैं मलकवाला एक्सप्रेस को कवर करने नहीं आ सका। अब जाकर कुछ बारिश थमी थी तकरीबन घंटा आधा घंटा पहले, तो फिर मैं निकला हूँ घर से, लेकिन हमारी 11 अगस्त एक्सप्रेस मिस हो गई है, उसको मैंने ट्रेस नहीं किया था, जिसकी वजह से वो आज हमारे हाथ से निकल गई। तकरीबन 12 मिनट के करीब तक में चल रही थी और ठीक 10 बजे मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन से उसने डिपार्चर कर लिया था। तो अभी जो हमारे पास ट्रेन बची हैं वो 135 अप और 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, तो यही दो ट्रेन आज हमारा फोकस है। तो इनकी कवरेज आज आपको करके दिखाएंगे, और इनके रेक 18 डाउन के रेक की जो यूटिलाइजेशन होती है खैबर मेल के ज़रिए वो भी आपको दिखाएंगे, और 135 में जो CNR कोच ऐड की गई है वो भी आपको दिखाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड दोस्तों। वक्त हो रहा है 10:42 और हमारी 135 अब चनाब एक्सप्रेस पहुंच चुकी है, 22 मिनट के करीब तखीर में चल रही है। GMC 15491 जिसे लीड कर रहा है अपडेट के मुताबिक तो यही है। अनाउंसमेंट भी हो रही है पीछे प्लेटफॉर्म पे, तो आज इसको पेडिस्ट्रियन ब्रिज से कवर करते हैं, डिपार्चर इसका आगे जाकर प्लेटफॉर्म से कवर कर लेंगे। मुसाफिर इतने आज नहीं हैं,
135 अप के अंदर तकरीबन 90% कैपेसिटी के साथ जा रही होगी। ये जा रहे जो CNR कोच हमारी हैबर मेल का, सामने पैसेंजर्स ने ट्रेन रुकवाई है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। पैसेंजर ट्रेन्स के अंदर आपको एक ये फैसिलिटी मिलती है कि ट्रेन सिर्फ आपके लिए भी रुक सकती है। बहुत ही अच्छी एक्सलरेशन के साथ निकल गई है हमारी 135 अप मंडी बहुदीन रेलवे स्टेशन से। इसे कहते हैं एक मज़ेदार डिपार्चर, क्या बात है। आज जो ड्राइवर्स लीड कर रहे हैं हमारी 135 अप को वो है रियाज दानिश साहिब और उनको असिस्ट कर रहे हैं शौकत भट्टी। तो आज ये क्रू है हमारी 135 अप का और रियाज दानिश तो फिर आप सबको पता है ये कितने ज़्यादा स्पीडी ड्राइवर हैं हमारे सेक्शन के। तो नेक्स्ट ट्रेन होगी हमारे पास 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस 135 आपके साथ, उसका क्रॉस रेंज है हरिया रेलवे स्टेशन पर, तो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेगी तो उसका भी रेक आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मानसून की वजह से जो पौधे हैं उनके अंदर भी एक जान सी आ जाती है और सामने आपको ये कलियों का आई थिंक सो पौधा है वो नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये जो फूल खिले हुए हैं ये बहुत ही भले लग रहे हैं। तकरीबन ये थ्रू आउट जो क्यारी है हमारे रेलवे स्टेशन पर उस सब पर यूं ही फूल लगे हुए हैं और जो दरख्त हैं उनके ऊपर नए पत्ते उमड़ रहे हैं। ये सामने ये जो रेडिश रेडिश आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, क्या ही ये अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं आज। तो साथ साथ ऊपर बादल भी आप लोग देखें कितने अच्छे आए हुए हैं। तकरीबन अभी घंटा डेढ़ घंटा पहले बारिश होकर रुकी है तो जिसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है वो भी आज इतनी नहीं है और एक बहुत ही पुरसकून सा वेदर हुआ है मंडी बहाउद्दीन में। जब से अगस्त चढ़ा है तो अगस्त की जो गर्मी है उसका अभी तक एहसास नहीं हुआ, अगस्त चढ़ने से ही बारिशें शुरू हैं और अभी तक बारिशें ही हो रही हैं। तो आगे भी पूरा हफ्ता वेदर यही बता रहा है कि बारिश ही होगी, तो अभी तक तो अगस्त की गर्मी ने अपना जुनून नहीं दिखाया, आगे देखते हैं कि क्या होता है। जो मंडी बहुदीन रेलवे स्टेशन का यार्ड है वो भी काफ़ी हरा भरा है, पटरियों के ऊपर भी देखें आप लोग कितनी ज़्यादा जो घास उगी हुई है, लेकिन ये पटरियों के लिए अच्छी नहीं होती, ये पटरियों की जो बैलेंसिंग है उसको ख़राब करती है तो इसको थोड़ा मेंटेन होने की ज़रूरत है। बाकी जो इर्द गिर्द की हरियाली है वो तो बहुत ही ज़्यादा मानो के भली नज़र आ रही है। इसके अलावा या जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स के यार्ड हैं मतलब के जो लाइंस हैं मेन लाइन और लूप लाइन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घास उगी हुई है। तो ये मॉनसून के अंदर तो नहीं इसको साफ़ करेंगे, लेकिन जैसे ही मॉनसून ख़त्म होगा तो फिर काम होगा और इस घास को पटरियों से हटाया जाएगा। तो दोस्तों वक्त हो रहा है 11:00 तकरीबन 15 मिनट और हमारी 18 डॉट मिलत एक्सप्रेस के लोकोमोटिव की लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं। तो अभी आपको एक चीज़ मैंने सोचा कि बताता चलूं कि मेरे साथ ही बिल्कुल एक फैमिली बैठी है, तो तकरीबन सारी लेडीज़ ही हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई जो सामान है उनका तो वो ऑन बोर्ड करवा दें, तो इसकी वजह से मे बी डिपार्चर विसल्स इसके मिस हो जाएँ, लेकिन व्लॉगिंग से पहले जाहिर सी बात है इंसानियत है तो जिसके चलते मुझे उनकी जो हेल्प है वो करनी पड़ेगी। तो अराइवल तो आपको कंप्लीट दिखाएंगे और डिपार्चर विसल्स अगर मिस ना हुए तो वो भी आपको कैप्चर करके दिखाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के करीब तखीर में है हमारी आज 18 डॉट मिलत एक्सप्रेस जिसको पावर लीड कर रही है, वो भी आपको बताता हूँ देख करके आज कौन सा लोकोमोटिव इसे लगा हुआ है।
तो दिल तो निकाल रहा कि आपको आज की पावर बताऊं, लेकिन जो अपडेट मिली हुई है वो यही है, HBU 28056 आज इसको लीड कर रहा है। और जो रसूल का आदाबाद लिंक कैनाल है वहाँ से गुजर चुकी है, जैसे 135 अप की दफ़ा हुआ है कि 4911 का बताया गया था और 4910 आ जाए उसे लेकर, तो कहीं इसकी भी पावर चेंज ना हो। तो जब स्टेशन पर पहुंचेगी तो मैं भी अपडेट कर दूंगा कि कौन सी पावर है इसको आज लीड कर रही है, जो तो आप लोगों को भी फिर साथ ही बता देंगे। दोस्तों HBU 20 का ही विसल लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुरीला विसल है। इसे कहते हैं टाचे विसल्स। रेलवे स्टेशन यार्ड में एंटर हो चुकी है और काफ़ी स्पीड में आ रही है, पीछे हो जाते हैं। एट ज़ीरो फाइव सिक्स से लीड कर रहे हैं जी, और मुझे तो ये खैबर मेल का ही रेक लग रहा है। आगे पावर मैन, लाहौर कराची लाहौर जी, ये खैबर मेल का ही रेक है। तो वही हुआ जिसका डर था, मेरे लोकोमोटिव तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल पड़ी। और सामने आपको ये CNR पावर वैन नज़र आ रही है कंप्लीट, जो कि चल भी रही है। तो मेरे ख्याल से अब पावर वैन का जो मसला है वो तो हल हो चुके हैं, अब मिला था एक्सप्रेस में बिजनेस क्लास भी दे देना चाहिए। सबूत के साथ दिखा दिया आपको ब्रांड न्यू CNR पावर वैन। पीछे एक फैमिली का सामान रखवाना था 18 नंबर कोच में, जिसकी वजह से लोकोमोटिव तक बर वक्त नहीं पहुंच पाया। एक लामा इकबाल एक्सप्रेस का भी कोच लगा हुआ, अभी मिक्स रेक है। दोस्तों ये थी 18 मिला था एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रहा था HBU 28056। रेक जो आज इसे लगा हुआ था हमारी खैबर मेल का, तो जो खैबर मेल को रेक लगाया गया वो होगा इसका। तो पाकिस्तान रेलवे ट्रेन्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले से बचाने के लिए रेक्स की यूटिलाइजेशन करते हैं, और अब मिला था एक्सप्रेस में भी रेक्स की यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होने लगी थी। तकरीबन 5 से 6 घंटे तो मामूल थे इसके तखीर के 79 मिला था एक्सप्रेस में, तो जिसकी वजह से अब रेक्स को यूटिलाइज़ किया जा रहा है खैबर मेल के मिला था एक्सप्रेस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेडिभौदिनी रेलवे स्टेशन पर छोटी सी रेल फैनिंग पसंद आई होगी। 11:00 एक्सप्रेस सुबह राइट टाइम ही निकल गई थी, एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो भी आज कल 2 से 3 घंटे डिले में ही आ रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने उसे ट्रेस नहीं किया। और हमारी जो मलकवाल एक्सप्रेस है उसके टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं रेलवे स्टेशन ना आ सका। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।